स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर समस्त झारखंड वासियों को हमारे ओर से बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। आज आज़ादी का हमने 73 साल पूरा किए और 73 वर्षों में बहुत कुछ देश ने तरक्की की है, आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन आज़ादी तभी पूरी होगी जब हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जाएंगे। हमारी जो आवश्यक वस्तुएं हैं जिसे हम खुद ब खुद पैदा कर सकें, हमारी अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को हम खुद उत्पादन कर सकें, तब ये आज़ादी पूर्ण होगी। आज देश के प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि आत्मनिर्भर हमें होना है, आत्मनिर्भर बनना है, और इसके लिए समस्त देशवासियों के प्रयास से ही यह संभव हो सकेगा। मैं झारखंड से भी यही चाहूँगा कि झारखंड की जो आज 3.25 करोड़ करीब आबादी है, तो सभी झारखंड वासियों को आज के तारीख में हमें संकल्प लेने होंगे, हमारी जो न्यूनतम जो ज़रूरतें हैं या आवश्यकताएँ हैं उसको हम खुद ब खुद पूरी करें। आज हम अन्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हैं, आज भी हमें खाद्यान्न की जितनी ज़रूरत है उतनी पैदा नहीं होता है, हम नहीं कर पाते हैं। तो हम सबको नई तकनीक अपना करके और नई टेक्नोलॉजी से अपने आप को जोड़ करके और हमारी जो खाद्य पदार्थ है उसको हम पूरा कर सकते हैं, और पूरा ही नहीं बल्कि हम औरों को भी हम खिला सकते हैं। ये हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास ज़मीनें हैं, लेकिन हम उसका आधुनिक तरीके से, नए तकनीक से उसका हम उपयोग नहीं करते। सरकार को भी इन क्षेत्रों पर विशेष हमें ध्यान देनी चाहिए ताकि गाँव तक बिजली हो, अच्छी बिजली हो, क्वालिटी की बिजली हो, 24 घंटा बिजली मिले, ताकि लोग उत्पादन भी कर सके, उसमें इस तकनीक का भी लोग उपयोग कर सके। हमारे पास ढेर सारे खनिज संपदा झारखंड में पड़ा हुआ है, लेकिन आज उसका हम मूल्य संवर्धन नहीं कर पा रहे। उसका एक तो बड़ा कारण है कि हमारे पास बिजली की कमी है, इसलिए हम कच्चे माल उत्पादन करते हैं और कच्चे माल ही हमारे यहाँ से बाहर चला जाता है, हम उसका फिनिश गुड प्रोडक्ट हम बना नहीं पा रहे हैं। हमें लगता है कि अपने यहाँ झारखंड के बड़ी आबादी है मजदूरों की या कामगारों की, जो बाहर में जो लोग काम कर रहे हैं। पिछले दिनों जब कोरोना के जो लॉकडाउन के कारण जो बाहर में काम कर रहे थे, उन लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन कराया और सरकार ने जो आंकड़े बताए, वो करीब 10 लाख से भी अधिक की संख्या है। तो हमारे पास मैन पावर बहुत अधिक है, कुशल श्रमिक है, वो बाहर में जा कर के काम कर रहे हैं। अगर हम उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना, यही उनको हम उपलब्ध करा दें, बिजली पानी सब कुछ यहाँ उपलब्ध हो जाए, कच्चा माल यहाँ है, तो हमें लगता है फिर यहाँ उद्योग धंधों की जाल बिछ सकती है गाँव घर में, और हमारी जो ज़रूरतें हैं वो तो पूरी होगी ही होगी, साथ ही हम बाहर भी उसको हम भेज सकते हैं, अन्य राज्यों को भी, अन्य देशों को भी हम उसको भेज सकते हैं। चाहेंगे कि उसके लिए जो आधारभूत तो ढांचा चाहिए, तो ढांचा सड़क लगभग कुछ ना कुछ तो है आज के तारीख में, लेकिन बिजली की निहायत कमी है। तो इसलिए हम सरकार से ये चाहेंगे कि भाई हमें बिजली को प्रायोरिटी में लेकर के और बिजली के जो ढांचा है उसको हमें ठीक करनी पड़ेगी। तो हमें लगता है कि उद्योग धंधा लग पड़ेगा, यहाँ के काम लोगों को मिलेगा, रोज़गार मिलेगा। तो इसलिए हम लोगों से यही कहेंगे, सरकार से भी और लोगों से भी, कि भाई हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ें। फिर झारखंड में बड़ी आबादी गांव में बसती है और यह बड़ा हिस्सा यहाँ हमारे फॉरेस्ट एरिया भी है, तो हम फॉरेस्ट एरिया को भी हम संरक्षित करें। और फिर जो डिग्रेडेड जो फॉरेस्ट है, जहाँ पर पेड़ पौधे आज समाप्त हो गए, यूँ ही बंजर पड़ा हुआ है, हमें लगता है कि उन सारे जगहों पर हम औषधीय पौधा भी हम लगवा सकते हैं या लगा सकते हैं।
हमें उस पर सरकार को विचार करना चाहिए और जिनके भी बंजर भूमि पड़ी हुई है उनको भी कुछ ना कुछ इस प्रकार की पेड़ हम लोगों से कहते हैं कि भाई फलदार पेड़ भी लगाइए, छायादार भी लगाइए, मालदार पेड़ भी लगाइए, यानी फर्नीचर जिसमें से काम आता हो इस प्रकार के, तो हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्रों में हम नई तकनीक और नए हुनर लोगों को थोड़ा सा ट्रेंड करके हम वहाँ पशुपालन को भी बढ़ावा दे सकते हैं गांव घर में, और उसमें से और आज के तारीख में जो जिसको कहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हम कर सकते हैं, पशुपालन ऑर्गेनिक में, जैसे आज देश भर में देखते होंगे कि ब्रॉयलर मुर्गा, तो झारखंड राज्य को एक प्रकार से ठान लेनी चाहिए, यहाँ जितनी बड़ी आदिवासी की आबादी है, जिसके बाप दादे से जिसको कह सकते हैं घर में ही पशु को पालते हैं, जानवर को पालते हैं, भेड़ बकरी को पालते हैं, मुर्गी को पालते हैं, सुअर को भी पालते हैं, तो इन सारे चीज़ों को उनको पालना चाहिए और सरकार उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित में, और उसके लिए सरकार को इन लोगों को ट्रेंड करनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी जो वैक्सीन क्या क्या लगता है, कब लगता है, और ताकि हम जैसे आज देखते हों कि बाज़ार में आंध्रा की मछली यहाँ दिखाई पड़ता है, तो झारखंड चाहे तो झारखंड की मुर्गा पूरे हिंदुस्तान में दिखाई पड़ेंगे और ऑर्गेनिक दिखाई पड़ेंगे, तो उसकी हमें हब बनाने चाहिए। फिर हमारा इतना जो फॉरेस्ट एरिया इतना बड़ा है, हम गौटरी पालन कर सकते हैं, भेड़ों के पालन करवा सकते हैं उसमें, तो घर में भी हमारी जो माँ बहनें हैं थोड़ी कम भी पढ़ी लिखी है तो उनको भी हम रोज़गार से जोड़ सकते हैं, वो भी आय आमदनी वो भी घर बैठे बैठे वो कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत मेहनत और बहुत कठिनाई नहीं होगी। तो हमें लगता है कि हमें रोज़गार का ये सारे क्षेत्रों को चिन्हित करके, ताकि जैसे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई अब 2 साल के बाद हम 75 साल पूरा करेंगे देश की आज़ादी का, तो हमें अगले जो 75 साल देश की आज़ादी का जब पूरी होगी तो झारखंड भी वो अगले 2 वर्षों में, या इसको कह सकते हैं कि हम एक टारगेट लेकर के हम भी एक अचीव करेंगे, एक गोल पॉइंट हम तय कर लें, तो मुझे लगता है कि झारखंड में जो आज गरीबी दिख रही है, व्यवस्था दिख रही है, इसको हम दूर कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, आज के दिन श्री भाषण देने का नहीं, उत्सव सिर्फ इसलिए नहीं कि देश आज़ाद हुआ, हम उन महापुरुषों को तो याद करते हैं कि आज़ादी उसी के लिए लोग हमारे पुरखे भी लड़े थे कि भाई देश आज़ाद होगा, हम अपने हाथों से देश को हम गढ़ेंगे, अपने हाथों से हम अपने आप को हम आत्मनिर्भर बनेंगे, तो हर किसी को यह संकल्प लेनी चाहिए। और तो मैं समझता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा, आत्मनिर्भर झारखंड बनेगा, तभी स्वतंत्रता पूरी होगी, तभी आज़ादी पूरी होगी। आज के तारीख में मेरे ओर से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।